Assalamualaikum everyone. So, रेशा कबाब बनाने के लिए मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया है. इसमें मैं 1 teaspoon सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मैंने ये हाफ लेमन जूस लिया था. अराउंड 1 teaspoon बनता है, 1 and 2. ये ऐड किया 1 tablespoon क्यूमिंग सीड पाउडर, यानी कि जीरे का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ. चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किए हैं 1 tablespoon. उसके अलावा मैं ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर. 1 tablespoon पेपरिका ऐड किया है मैंने इसके अंदर. उसके अलावा 1 tablespoon ब्लैक पेपर और ये है गरम मसाला और मिक्स स्पाइसेस, ये भी 1 tablespoon ऐड किया है. और ये 1 tablespoon चाट मसाला है, आपके पास है तो आप इसको ऐड करें. अच्छी तरह से हमने चिकन को इन सारे स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लेना है. ये आपने मिक्स किया है. अब इसमें हमने ऐड करना है 1 tablespoon जिंजर गार्लिक की पेस्ट. इसको आप ऐड करें और अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें. इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है मैरिनेशन के लिए. 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने ऑयल गरम किया है. हाफ कप ऑयल था उसके अंदर. मैं ये जितना भी बोनलेस था मेरे पास चिकन मैरिनेटेड, ये मैं इस पर फ्राई कर रही हूँ. आपने अच्छी तरह से इसको हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है. ये जैसे ही थोड़ा सा देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 glass वाटर. ऐड करने के बाद, क्योंकि मीट कच्चा हो गया, पक जाए, ढक दिया था मैंने. अब मैंने जब उतारा है, देखें बिल्कुल पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया. अब मैंने जो फ्लेम थी वो भी कम कर दी है. अब इसी पैन के अंदर मैं करने जा रही हूँ जी इसके पीसेस. 2 forks लिए हैं मैंने. फॉक की मदद से आपने इनके वो रेशा कर लेने हैं, इनके बारीक बारीक से ना. या आपने इस तरह से ये सारे चिकन के आपने ये कर लेने और पैन में ही करें, गर्म पैन में ही, क्योंकि जब ये रेशे होंगे तो अंदर से जो ड्राई चिकन होगी वो भी मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी. तो सारे चिकन के ऊपर स्पाइस उसी तरह से लग जाएगा जो बाकी पे लगा हुआ है. ये देखिए मैंने पैन के, गरम पैन के अंदर ही लो फ्लेम पे रख के सारे चिकन के रेशे कर लिए और सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो गया. ये रेडी है. अब इसको आप ठंडा करने के लिए साइड पर रख दें. अब मैंने 2 ब्रेड स्लाइस लिए हैं, उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 2 tablespoon पानी डाला है. अब मैंने ये सारे मैश कर लेने हैं. अच्छी तरह से मैश कर लें ताकि इसका एक मिक्सचर रेडी हो जाए ब्रेड और पानी का. ये देखें कितना अच्छे से ये मैश हो गया. इसको आप थोड़ी देर के साइड पर रख दें. मैंने मैश पोटैटोज़ लिए हैं ऑलमोस्ट, ये 2 large भरे मैंने साइज़ के पोटैटोज़ बॉईल करके उनको मैश कर लिया है. ये मैंने यूज़ किए हैं, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ इसमें. 1 chopped अनियन, देखें कितना बारीक अनियन है, क्योंकि हम कबाब बना रहे हैं तो अनियन इसलिए हमें बहुत जो है चॉप चाहिए होगा. अब इसमें मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिली. ये भी बहुत, ये मैंने 1 भरी ली है, इतनी ज़्यादा हो गई. आप 2 से 3 ले सकते हैं, छोटी हैं तो चॉप. बिल्कुल 1/2 cup फ्रेश चॉप्ड मिंट लिया है मैंने, बिल्कुल चॉप में. पर धनिया नहीं था, अगर आपके पास फ्रेश कोरिएंडर है वो भी यूज़ कर सकते हैं. 1 tablespoon पेपरिका मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. 1 tablespoon ब्लैक पेपर डाला है. गरम मसाला 1 tablespoon मैं यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर. और अब मैं इसमें 1 tablespoon अंदाजे से जो है सॉल्ट डाल रही हूँ. और ये है जी 1 tablespoon चाट मसाला. ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं. मुझे ज़रा चटपटा सा फ्लेवर पसंद है इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ. 1.5 tablespoon मैंने जो ज़ीरा था उसको फ्राई करके उसको पीस लिया था, उसके पाउडर बना लिया था. तो आपने ज़ीरा फ्राई करके ही यूज़ करना है. अब मैंने सब मिक्स कर लिया है. अब इसमें जो ब्रेड हमने मैश करके रखी थी वो सारी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मैंने अपने मिक्सचर के साथ मिक्स कर लिया. तो आप बस ख्याल रहें कि जब भी आप इस तरह का मिक्सचर वाला काम कर रहे हो हाथों से मिक्स करने का, तो मेक श्योर कि आपके हाथ जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से वॉश्ड हों, धुले हों. अब ये सारा मिक्स हो गया है. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन जो हमने बनाया था. अच्छा, मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, मैंने देखा भी है आजकल, वैसे ही इतना हाइजेनिक हुआ हुआ है कि आप ग्लव्स पहने, लेकिन नॉर्मल हाथों से ज़्यादा अच्छी तरह से ये मैश हो जाती हैं, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं. इसलिए मैं वॉश करके अच्छे से हाथ फिर यूज़ कर रही थी. मिक्स कर लिया है. अब मैंने इनको सिर्फ कबाब की एक शेप देनी है, नॉर्मल आप जिस तरह से राउंड शेप के कबाब बनाते हैं इसी तरह से हाथ में रख के इनको कबाब की एक शेप दे दें. अब जितने बन सकते हैं आपने, जितने यूज़ करने आप बना के रख सकते हैं. और ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 हफ्ता आप फ्रीज़ करें आराम से, कहें बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं. आप इसको 1.5 से 2 हफ्ते भी फ्रीज़ करके आराम से रख के बस निकाला और अंडे के मिक्सचर में डिप किया और फ्राई कर लिया. अब इसी तरह से मैंने 2 अंडे बीट कर लिए हैं. इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दिया. अच्छी तरह से इसको मैं विस्क कर रही हूँ. अब यही जो हमने कबाब बना लिए थे उनको अंडे के मिक्सचर के अंदर, क्योंकि ब्रेड तो हमने अंदर डाल दी थी ताकि वो टूटे ना और मिक्सचर इसका जो है कबाब का अच्छे से बन जाए, बस अंडे को हमने कोट किया है और हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है. ये देखिए कितने अच्छे से ये आ रहा है. तो ये थे जी चिकन रेशा कबाब, बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए. मैंने इसके साथ एक रायता बना लिया था.
बहुत इजी सी रेसिपी है, ऑलमोस्ट 5-5.5 मिनट के अंदर मैंने वीडियो पूरी कवर कर ली है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत एक स्नैक की तरह पर यूज़ हो सके सकता है। मैं अब आपको एक खोल के इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तोड़ के ये देखें कितने अच्छे से अंदर से रेशा जो है चिकन का वो भी नज़र आ रहा है, पोटैटो मिक्सचर नज़र आ रहा है और सारे इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। और मैं इसको टेस्ट किया है मैंने, बहुत मज़े का और बहुत स्पाइसी में बना है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।